press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। मैं चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी Xiaomi मोबाइल के लॉक स्क्रीन से म्यूज़िक कंट्रोलर कैसे रिमूव करें। तो जैसा कि साइड में स्वाइप करने के बाद आप देख सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोलर रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और नीचे की तरफ स्वाइप करने के बाद ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ दूसरे नंबर पे मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के सारे इंस्टॉल और सिस्टम ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली म्यूज़िक एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है और या फिर आप ऊपर की तरफ से म्यूज़िक एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं। और म्यूज़िक को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। अगर आप अपने Xiaomi मोबाइल के लॉक स्क्रीन से म्यूज़िक कंट्रोलर को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ म्यूज़िक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सेटिंग को ओपन करना है। और लास्ट में आपको ऑन द लॉक स्क्रीन का एक फीचर मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद आपको दो अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली डोंट शो नोटिफिकेशंस एट ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद चलते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो जैसा कि लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोलर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आप भी अपने किसी भी Xiaomi मोबाइल के लॉक स्क्रीन से म्यूज़िक कंट्रोलर को ईजीली रिमूव कर सकते हैं।